पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर में 40 से 30 आतंकी छुपे होने की खबर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई तेज की है और पंजाब की अंतरिम सरकार ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई के चीफ इमरान खान के घर में 30 से 40 आतंकी छुपे हैं और सरकार ने अल्टीमेटम देते हुए यह आदेश दिया है कि इमरान खान अपने लाहौर स्थित जमान पार्क वाले घर में छिपे 30 से 40 आतंकियों को पुलिस के हवाले कर दे। इसके लिए उन्हें 24 घंटे की मोहलत दी गई है और बताया गया है कि अगर वो नहीं माने तो उस पर पुलिस की कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है पंजाब सरकार की कार्यवाहक सूचना मंत्री आमिर मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी कि पीटीआई अगर इन आतंकियों को हैंडओवर नहीं करेगी तो पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। वहां पाक रेंजर्स ने इमरान खान के घर के आसपास घेराबंदी शुरू कर दी है और पंजाब सरकार के आदेश के बाद पीटीआई के समर्थक भी जमान शाह पार्क पहुंचने लगे हैं और ऐसे में अब फिर से टकराव और हिंसा की आशंका बनने लगी है। लेकिन फिलहाल अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर में 30 से 40 आतंकवादियों के छिपने की खबर सामने आई है और अभी इमरान खान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि वहां पर अब फिर से जमान शाह पहुंचे पीटीआई के समर्थक पहुंचने की आशंका बताई जा रही है और साथ ही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर हिंसा और टकराव की आशंका बन सकती है।